प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था, जिसमें मैंने 28 फरवरी को ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उसके संदर्भ में आप लोगों को एक आकलन दिया था कि बहुत ही विचित्र परिस्थिति ग्रहों की बन रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि उस परिस्थिति का जब मैंने आकलन किया था तो ये किसी दो महाशक्तियों के बीच में टकराव जैसी स्थिति को बता रहा था, यानी आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां, दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान स्थिति में हो और एक निर्णायक स्थिति वहां पर बनती हो, ऐसी परिस्थिति ग्रहों की वो बन रही है। अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है, तो ऐसे में कुछ बड़ा ना हो संसार में ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए कुछ तो बड़ा जरूर होगा, लेकिन क्या होगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो उसका आकलन हम किस आधार पर करें। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंका था, तो उसके बाद क्या स्थिति बनी थी उसका आकलन अमेरिका पहले नहीं कर सकता था। यदि उसको पता होता कि विनाशकारी लीला इतनी बड़ी होगी तो शायद वो बम फेंकता ही नहीं और सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति कुछ और होती। लेकिन जीवन के अंदर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई होती है और उस समय पर उठाया गया कदम ही आने वाले समय का भविष्य तय करता है। जैसे कोविड की सिचुएशन थी, इस संसार में पहले किसी ने भी ये परिस्थितियां फेस नहीं की थी, और पहले जब कभी संसार में ये परिस्थिति बनी 100 साल पहले जब महामारी आई थी, तब जिन लोगों ने परिस्थिति फेस करी वो लोग इस समय पर जीवित नहीं थे। तो अनुभव केवल हमारे पास किताबों में था, व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, और परिस्थिति अभी 100 साल की बदल चुकी थी। ऐसे में जो ब्रह्मांड के अंदर भी 28 फरवरी को जो परिस्थिति बन रही है, ये कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर कराएगी। अब वर्तमान परिस्थिति को हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन जैसे माहौल की तैयारी की जा रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति अपनी चरम सीमा पर है। भारत के अंदर भी हम देखें तो इस समय पर कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो हर हाल में हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, और इसी समय पर अहमदाबाद के बम ब्लास्ट का केस का फैसला भी आया है। और हाल ही में आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जिस तरह से कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है वो भी अपने आप में बहुत गंभीर है। ऐसे में यहां भी परिस्थितियां कुछ अलग तरह की बनी हुई है। हालांकि विश्व के अंदर हर देश के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जो बहुत कुछ नकारात्मक घटने की ओर इशारा कर रही है, लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो कदम लोग उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी 28 फरवरी तक अगर किसी भी देश ने या किसी भी देश की सरकार ने या असामाजिक तत्व जो लोग हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई नकारात्मक कदम नहीं उठाया तो ये स्थिति बहुत आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन इस समय पर यदि किसी ने भी कोई मूर्खता कर डाली तो परिणाम गंभीर अवश्य हो सकते हैं। साथ ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं को भी मैं इस समय पर देख रहा हूं, यानी कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप या किसी और तरह की कोई ऐसी घटना इस समय पर घटे उसकी संभावना से भी मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि नकारात्मक चीजें अपना असर दिखाती हैं। ये अलग बात है कि हम उसके प्रभाव को कितना कम कर पाते हैं, लेकिन दिखाती जरूर है। लेकिन एक अच्छी बात भी इसके साथ में है, और वो ये कि यहां के बाद में, यानी कि 28 फरवरी 2022 के बाद में धीरे धीरे धीरे
नकारात्मक ऊर्जाएं कम होती चली जाएंगी, बुरे परिणाम कम होते चले जाएंगे और अच्छे परिणामों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। यानी जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी शक्ति यहां से कम होना आरंभ हो जाएगी। और ये जो दिन है 28 फरवरी 2022 की जो मैं बात कर रहा हूं, इस समय तक आसुरी शक्तियों का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होगा, उसका पीक होगा और यहीं से उनकी शक्तियों में कमी आना आरंभ होगी। ऐसे में इस माहौल के अंदर वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस संसार के अंदर देते हैं, यही विनाश की घटना के परिणामों को भी तय करेगी। ऐसे में यदि रशिया ने यूक्रेन पर कोई छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई की तो भी परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनका अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि किसी को डराने धमकाने के लिए। और मैं नहीं समझता कि यहां पर कोई जिम्मेदार देश ऐसी कोई हरकत करेगा, क्योंकि उकसाने की कार्रवाई तो होगी, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इस ग्रहों के कॉम्बिनेशन में भी कुछ अच्छाइयां भी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को पूरा मौका मिलेगा अपना काम करने के लिए। उनके प्रयास हो सकते हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होंगे, ये बात भी मुझे दिख रही है। लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोजन ही गंभीर स्थिति को पैदा कर देता है। ऐसे में इस समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है और जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें एक शांति की अपील जरूर होनी चाहिए। थोड़ा समय यदि हर देश थोड़ा सब्र कर लेगा, थोड़ा इंतजार कर लेगा इन परिस्थितियों के लिए, तो बहुत तेजी से 28 फरवरी के बाद में परिस्थितियां सामान्य भी अवश्य होने लगेंगी। लेकिन तब तक ये माहौल पूरी तरह से गर्माया हुआ रहेगा और कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं नहीं बल्कि बड़ी घटना इस समय पर हो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति के कारण से, इसको मैं अवश्य देख रहा हूं। लेकिन यदि कोई प्राकृतिक आपदा के तौर पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, कंपेयर टू कि हम कोई ऐसी परिस्थिति को जन्म दे दें जो हमारे लिए ही संभालना मुश्किल हो जाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस ग्रहों के आकलन के आधार पर, अब चूंकि वो समय बहुत नजदीक आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को एक सावधानी के तौर पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि इस समय पर कुछ बड़ा तो घटित हो सकता है, लेकिन कितना कम नकारात्मक प्रभाव के साथ घटित होगा, यही हमें देखना भी चाहिए। और इस अंतिम रात्रि को, इस अंतिम काली रात्रि को हमको गुजरने देना है और उसके बाद एक नई सुबह, एक नए सूर्योदय की हमें प्रतीक्षा भी अवश्य करनी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।